हेलो फ्रेंड्स, आज हम करवा चौथ स्पेशल चूरमा के लड्डू बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम आटा लिया है, 250 ग्राम पीसी चीनी ली है और 50 ग्राम घी लिया है, 10 ग्राम नारियल बूरा और 50 ग्राम मावा और 20 ग्राम काजू और 10 बादाम कटे हुए, 2 चम्मच इलायची, 5 ग्राम मिश्री और 5 ग्राम ही किशमिश। सबसे पहले हम चूरमा बनाने के लिए बाटी बनाएंगे। ये हमने आटा इसमें डाल दिया जो हमने 50 ग्राम के लिया था, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसको हम मिक्स कर लें। घी हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट आटा गूंद लेंगे। हमने टाइट आटा गूंद के तैयार कर लिया है। अब इसकी हम बाटी बनाएंगे इस तरीके की। बाटी बनाएंगे इस तरीके से। हमने 8 बाटी बना के तैयार कर ली। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये हमने 100 ग्राम घी ले लिया, इसके अंदर कढ़ाई में ऐड कर दें। घी हमारा गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम बाटी ऐड करेंगे। अब इसको अब हम इनको धीमी आंच में तलेंगे। हमारी बाटी अब गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बाटी को तल के हमने निकाल लिया, अब इसको हम पीसेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने थोड़ा दरदरा इसको पीस लिया। बाटी पीस के हमने तैयार कर ली। अब इसके अंदर हम पहले मावा ऐड करेंगे। मावा हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम नारियल ऐड करेंगे, मिश्री ऐड करेंगे, बादाम, किशमिश, काजू और इलायची पाउडर और चीनी ऐड कर लेंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। सब कुछ हमने अच्छी तरह से मिला लिया। अब इसमें घी ऐड करेंगे। ये घी वो है जो हमने बाटी तली थी, उसमें से जो बच गया वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। घी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके हम चूरमे के लड्डू बनाएंगे इस तरीके। हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। ये हमारे चूरमे के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं।